सो हे गाइस व्हाट्स अप, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और यार जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ ही बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो पहली अपडेट आ रही नेजी की तरफ से। अभी रिसेंटली जो है नेजी का एक ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है शोले और ये जो है कोलैब ट्रैक है विद एमसी मवाली और करण कंचन के साथ। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक मुझे लिरिकली काफी स्ट्रांग लगा है, खासकर नेजी का जो पहला वर्स है वो, और इसका म्यूजिक भी जो मुझे काफी सही लगा है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अब तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है केडीएम की तरफ से। सो 31 जनवरी को जो है केडीएम एक साइफर ऑर्गेनाइज करने वाला है जिसका नाम होगा सोशल साइफर 06 और टाइमिंग है 1 PM। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है बादशाह और कृष्णा की तरफ से। सो रिसेंटली जो है इन दोनों का एक कोलैब ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है रोल अप और ये ट्रैक आउट हुआ है कृष्णा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक मुझे काफी अनदर लेवल का ट्रैक लगा है, खासकर इस ट्रैक का लिरिक्स मतलब यार क्लियर लिरिक्स है, और इस ट्रैक में जो आपको काफी अच्छे रेफरेंसेस भी सुनने को मिलेंगे, और खासकर जो बादशाह पाजी का वर्स है उसके अंदर भी आपको काफी अच्छे रेफरेंसेस सुनने को मिलेंगे। और यार बादशाह पाजी के वर्स में जो है पीरागढ़ी का भी नाम आया हुआ है जो कि दिल्ली के एक जगह का नाम है और मेरे घर से वो काफी पास भी पड़ता है। सो ये मुझे काफी इनसेन चीज लगी। और अगर इस ट्रैक के म्यूजिक की बात करूं तो इसका म्यूजिक भी काफी सही लगा है मुझे, और इसकी वीडियो तो जो है एकदम कमाल की बनी है। बाकी ओवरऑल ये ट्रैक जो है एकदम फायर है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अब तक ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। भी रिसेंटली जो है हनी पाजी का भी एक ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है सयाजी। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक का फ्लो मुझे काफी सही लगा, और उसका म्यूजिक भी जो एकदम कमाल का है। और अगर बात करूं लिरिक्स के बारे में तो लिरिक्स मुझे ठीक ठाक ही लगे हैं, पर इसकी वीडियो जो है काफी जबरदस्त बनी हुई है, और करंटली ये ट्रैक जो है यूट्यूब इंडिया पर नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहा है, और इस ट्रैक पे जो है अराउंड 2 मिलियन के आसपास लाइक्स भी हो चुके हैं, और एक दिन के अंदर इस ट्रैक ने जो है अराउंड 30 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि काफी अमेजिंग बात है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अब तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है कमल राजा की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है कमल राजा ने क्लेम किया है हनी सिंह और बादशाह जो इनके सॉन्ग्स को कॉपी करते हैं, और उन्होंने साथ में जो है प्रूफ भी दिखाया है। तो पहले बात करते हैं बादशाह पाजी के ट्रैक के बारे में। सो 2019 में बादशाह पाजी का एक ट्रैक आउट हुआ था जिसका नाम था पागल, जो कि काफी बड़ा हिट साबित हुआ था। सो ये ट्रैक जो है 2017 में रिलीज हुए कमल राजा का ट्रबल ट्रैक का कॉपी है, ऐसा कमल राजा का कहना है, मैंने नहीं कहा है। पर जब मैंने कमल राजा के ट्रबल ट्रैक को सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि पागल सॉन्ग जो है इसी का ही कॉपी है, बिकॉज फ्लो जो है काफी सेम लग रहा था, पर लिरिक्स जो है उतना मैच नहीं कर रहा था, बट फ्लो और म्यूजिक काफी मैच कर रहा था, खासकर फ्लो जो है एकदम ऐसा लग रहा था कि सेम टू सेम है दोनों ट्रैक का। बाकी ट्रबल ट्रैक का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये दोनों ट्रैक सुन के कैसा लगा। तो अब हम बात करते हैं हनी पाजी के सॉन्ग के बारे में। सो रिसेंटली जो हनी पाजी का एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है सयाजी। सो कमल राजा ने क्लेम किया है सयाजी ट्रैक जो है 2018 में रिलीज हुए उनके ट्रैक आयो का कॉपी है, और जब मैंने आयो ट्रैक सुना तो दोनों ट्रैक जो है काफी हद तक मैच कर रहे थे, खासकर फ्लो जो है सयाजी और आयो ट्रैक का एकदम सेम है। बाकी आयो ट्रैक का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दोनों ट्रैक सुन के आपको कैसा लगा। पर यार ऐसा भी काफी बार हो जाता है कि जब कोई नया सॉन्ग बनता है तो वो किसी पुराने सॉन्ग जैसा साउंड करने लग जाता है, सो ये हो सकता है कि इन चारों सॉन्ग्स के केस में भी ऐसा ही हुआ हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।